फ्रेंड्स, डेल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डीएम मां। आज हम बात करेंगे एपोमिक्सिस या असंजन या अपसंयोजन या इसे अलैंगिक जनन भी कहते हैं, यानी एपोमिक्सिस, असंजनन, अपसंयोजन व अलैंगिक जनन एक ही विषय वस्तु है। तो एपोमिक्सिस जो शब्द है अलैंगिक जनन के लिए, हेंस विंकलर ने एपोमिक्सिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो एपोमिक्सिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेंस विंकलर ने 1908 में अलैंगिक जनन हेतु एपोमिक्सिस शब्द का प्रतिपादन किया और अलैंगिक जनन की सभी विधियों को, अलैंगिक जनन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी मेथड आते हैं उन सभी को एपोमिक्सिस में सम्मिलित किया गया है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस शब्द से ही संबोधित कर सकते हैं। एपोमिक्सिस जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, एपो एंड मिक्सिस। एपो मींस विदाउट एंड मिक्सिस मींस मिक्सिंग, यानी विदाउट मिक्सिंग या अवे फ्रॉम मिक्सिंग या मिश्रण का अभाव या बिना मिश्रण के। तो एपोमिक्सिस मींस बिना मिश्रण के या बिना विभिन्नताओं के या बिना जीन विनिमय के नई संतान का जब विकास हो तो उसे अपन एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। एपोमिक्सिस जनन की ऐसी विधि है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के संलयन का अभाव होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही है। मैंने कहा कि एपोमिक्सिस के जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही दूसरा नाम है। तो यह जनन की ऐसी विधि है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी युग्मकों का निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है और यहां युग्मकों का निर्माण नहीं होगा और युग्मकों के संलयन का अभाव, क्योंकि जब युग्मक बने नहीं है तो संलयन कहां से होंगे। तो इस तरीके की या जनन की इस विधि में अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के संलयन का अभाव होता है। आगे पर बात करें, इस जनन में उत्पन्न संतान है वो जनक के बिल्कुल समान होती है मॉर्फोलॉजिकली दृष्टि से एंड जेनेटिकली, यानी आकारिकी व आनुवंशिक दृष्टि से जो संतान है वो जनक के बिल्कुल समान होती है। इसी कारण से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। तो उत्पन्न जो संतान है उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान होती है, इसी कारण से उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। क्लोन का शाब्दिक जो अर्थ है वो है टहनी। जिस प्रकार से एक पौधे जो टहनी है वो एक प्रकार से पौधे का ही रूप है, उसी प्रकार से इस जनन में उत्पन्न संतान जो है वो जनक का ही रूप है। आगे बात है, असंजनन करने वाली पादप प्रजातियों को असंजननिक पादप कहते हैं या एपोमिक्टिक प्लांट के नाम से जानते हैं, असंजननिक पादप। तो जिन पादपों में एपोमिक्सिस होती हो
या एपोमिक्सिस के माध्यम से जनन होता है उन्हें एपोमिक्टिक प्लांट के नाम से जानते हैं। और इन प्लांटों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अतिरिक्त विधि है इनमें जनन की या एक सहायक विधि के रूप में कार्य करती है। अब अपन बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्गीकरण या एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन या असंजनन का वर्गीकरण। असंजनन का वर्गीकरण दो वैज्ञानिकों ने किया है और उसमें हम सबसे पहले विंकलर के अनुसार एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन और दूसरा पर बात करेंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विंकलर के अनुसार एपोमिक्सिस का वर्गीकरण। एपोमिक्सिस में अलैंगिक जनन की या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी विधियों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए एपोमिक्सिस इसके दो मुख्य प्रकार है, एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इससे पहले की वीडियो में मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म में बात किया था, तो जो कि एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म है और एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसकी जितने भी जो मेथड है वो भी मैंने पूर्व में वीडियो में कर रखा है। यहां मैं केवल एपोमिक्सिस का वर्गीकरण बात कर रहा हूं। तो देखिए भी विंकलर ने एपोमिक्सिस को दो तरीके से वर्गीकृत किया। पहला वर्गीकरण जो है दो तरीके से, दो प्रकार से बता हूं मैं, एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो निम्न श्रेणी के जीव है उनमें जो एपोमिक्सिस है वो किन किन विधियों के माध्यम से होता है वो अपन देखें। तो इसकी कुछ प्रमुख विधियां हैं फिशन या जिसे अपन कहें विभाजन। विभाजन फिर दो तरीके से है, द्विभाजन और बहुविभाजन। जो फिशन विधि है इसमें जनक, एक परिपक्व जनक स्वतः दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से अनुकूल दशाओं में जनक के समान नए जीव का विकास होता है फिशन। अब इसमें द्विभाजन में दो खंडों में टूटेगा और बहुविभाजन में दो से अधिक खंडों में टूटेगा और प्रत्येक खंड से नए जीव का विकास होगा। और इन सब विधियों के बारे में मैंने पूर्व की वीडियो में बता रखा। बडिंग या मुकुलन, इसमें जनक के शरीर पर एक छोटी सी कलिका बन जाती है और वह कलिका वृद्धि करके अंततः जनक पादप से अलग होकर जनक के समान नए पादप का विकास करती है और उसे हम कहते हैं बडिंग। बडिंग के भी दो प्रकार है, एक है एक्सटर्नल बाहें कलिका या बाहें बडिंग एक्सटर्नल कलिका और मुकुलन, दूसरी है अंतरजात मुकुलन। अगली विधि अपन बात करें फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, इसमें जनक का शरीर किसी बाहरी आघात के कारण दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से अनुकूल दशाओं में नए जनक का विकास होता है, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगली अपन बात करें सिस्ट, ये प्रतिकूल दशाएं आने पर होता है। जो लवर ऑर्गेनिज्म है, जो सेवाल है, कवक है या जो बैक्टीरिया है, उनकी में जब प्रतिकूल
पूर्ण दशाएं आ जाती है तो जनक का संपूर्ण शरीर या कोई कोशिका अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना लेती है और उस रक्षात्मक आवरण से वो प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं उससे बच जाता है और जैसे ही अनुकूल दशाएं आती है उसका जीव द्रव्य खंडित होकर नए जीवों का निर्माण करता है, उसे अपन कहते हैं शिश्न। फिर है स्पोर्स, बीजाणु, ये भी कवकों में, शैवालों में और जीवाणुओं में बीजाणुओं के माध्यम से जनन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर्स में वही प्रतिकूल दशाओं में जो जीव द्रव्य है उसके चारों ओर रक्षात्मक आवरण बन जाता है और अनुकूल दशाएं आने पर उसमें अनेक स्पोर बन जाते हैं और वो स्पोर जो जनक कोशिका है या शिश्न के फटने पर बाहर निकलकर नए जीव का विकास करते हैं। शैवालों में, कवकों में अनेक प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं जैसे चल बीजाणु, अचल बीजाणु, निश्चेत बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, यूरिडियो बीजाणु, इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं जिनके माध्यम से जो एपोमिक्सिस होती है वो होती है। आगे पर बात करें कोनिडिया, कोनिडिया जो कवक होते हैं उन कवकों के कवक तंतुओं के शीर्ष पर एक कोनिडिया धर बनता है और कोनिडिया धरों के शीर्ष पर एक कोशिका के गोलाकार अंडाकार रचना बनती है जो अनुकूल दशाओं के आने पर मातृपादक से अलग होकर अंकुरित होकर नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं और उन्हें अपन कहते हैं कोनिडिया, जिसके माध्यम से एपोमिक्सिस होती है। कोनिडिया पक्षीनिया में देखने को मिलती है। रीजनरेशन या पुनरुद्भवन, रीजनरेशन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों में संपन्न होती है किंतु कुछ श्रेणी के जीवों में रीजनरेशन की क्रिया थोड़ी कम स्तर की होती है, कम लेवल की होती है, जबकि जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें रीजनरेशन की क्रिया के माध्यम से जनन की क्रिया भी संपन्न होती है। जो उच्च श्रेणी के जीव है उनमें रीजनरेशन में खोए हुए अंग या घावों का भरना या पूंछ का आना जिस उस स्थितियों में रीजनरेशन होता है, जबकि जो निम्न श्रेणी के जीव है उनमें यदि उसका कोई अंग काट दिया जाए या उसके टुकड़े कर दिए जाए तो उनसे नए जीव का ही विकास हो जाता है, उसे कहते हैं रीजनरेशन। तो देखिए प्लेनेरिया में यदि अपन ने प्लेनेरिया के 10 खंड कर दिए हैं तो प्रत्येक खंड से एक नए जीव का विकास हो जाएगा। तो रीजनरेशन में जो निम्न श्रेणी के जीव है उनमें रीजनरेशन एक तरीके से जनन की विधि भी है जिसमें उसके यदि हम 10 खंड कर दें तो 10 नए जीवों का विकास हो जाएगा। प्लाज्मोटोमी प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में देखने को मिलती है। इसमें जीव द्रव्य का विभाजन हो जाता है, केंद्रक का विभाजन नहीं होता है और उन्हीं से नए जीव का विकास होता है। इसके अलावा भी लोअर ऑर्गेनिज्म में एपोमिक्सिस के और प्रकार भी देखने को मिलते हैं जैसे पाल्मेला अवस्था, ओइडिया जैसे प्रकार भी एपोमिक्सिस के होते हैं। तो हमने एपोमिक्सिस का पहला प्रकार जो है एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म वो देखा जिसमें फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सिस्ट, स्पोर्स, कोनिडिया, रीजनरेशन और प्लाज्मोटॉमी देखा। दूसरा प्रकार पर बात कर रहे हैं एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एपोमिक्सिस इन एंजियोस्पर्म या हायर प्लांट्स। एपोमिक्सिस का जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें किस किस तरीके से ये एपोमिक्सिस होगा तो वो है एगेमोस्पर्मी या एनिसेक बीजता और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एगेमोस्पर्मी का भी पूर्ण विवरण मैंने इससे पूर्व की वीडियो में दिया है, यहाँ अपन
केवल एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन बात कर रहे थे, तो उसमें एपोमिक्सिस का जो क्लासिफिकेशन जो दूसरा प्रकार है वो है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी एनिसेक बीजता बिना निषेचन के किसी भी 12 सेल से भ्रूण का विकास होना एगेमोस्पर्मी कहलाता है। ये दो तरीके की है, एक है स्पोरोफाइटिक यानी बीजाणु उद्भिद और एक है गैमेटोफाइटिक यानी युग्मोद्भिद प्रकार। स्पोरोफाइटिक जो एगेमोस्पर्मी है इसमें जो बीजाणु उद्भिद कोई भी पादप की बीजाणु उद्भिद 12 सेल से सीधे भ्रूण का विकास होगा, जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसमें बीजांड का या अध्यावरण की कोई भी 12 सेल से सीधे भ्रूण का विकास हो जाता है। गैमेटोफाइटिक जो एगेमोस्पर्मी है इसमें गैमेट्स यानी भ्रूण कोश की कोई भी 12 सेल से भ्रूण का विकास होगा। डिप्लोस्पोरिंग इसके दो प्रकार है, डिप्लोस्पोरिंग। डिप्लोस्पोरी में द्विगुणित जो कोशिका है जिसमें अपन कहें प्रसूतक जो सेल है उस प्रसूतक सेल से सीधे गुरु बीजाणु मात्र सेल बनेगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अस्थि विभाजन के गुरु बीजाणु बनाएगी। गुरु बीजाणु से सीधे बिना निषेचन के भ्रूण का विकास हो जाएगा अन्य कोशिका से। एपोस्पोरी के भी टू टाइप्स हैं, एक है जनरेटिव और एक है सोमेटिक। जनरेटिव में जनन कोशिकाएं भाग लेगी और सोमेटिक में वही जो बीजाणु का या अध्यावरण से द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होगा। अब अपन बात करें तो ये जो एपोमिक्सिस है जो विंकलर है उसके अनुसार जो एपोमिक्सिस के जो प्रकार अपन देखे वो था एपोमिक्सिस इन लोअर ऑर्गेनिज्म और एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जिसमें एगेमोस्पर्मी। दूसरा जो प्रकार है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसका विस्तृत अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ अपन शॉर्ट में बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, तो किसी भी पादप के या फ्लावरिंग प्लांट्स के वेजिटेटिव अंगों, वेजिटेटिव अंग कौन कौन से है, रूट स्टेम एंड लीफ, ये वेजिटेटिव या काई अंग है और इन अंगों से स्वतः अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो जाए तो उसे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टू टाइप्स है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्वतः होगा जिसमें रूट स्टेम लीफ और बल्बस टाइप से होगा। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्वतः पादप के कई कर्मों से अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास होगा, जिसमें रूट यदि रूट से अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो जैसे गाजर में, स्टेम जब स्टेम से अनुकूल दशाओं में नए पादप का विकास हो जैसे हम बात करें हल्दी अदरक अरबी में, लीफ अनुकूल दशाओं में लीफ से नए पादप का विकास हो जैसे ट्रायफिलम में, और अनुकूल दशाओं में पुष्प जो कलिकाएं हैं या जो लैंगिक अंग है वही मोटे मांसल होकर पत्र प्रकलिका या बुल्बाइल्स बनाते हैं या पत्र प्रकलिकाएं बनाते हैं और ये मात्र पादप से अलग होकर नए पादप का विकास करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये तीन प्रकार से है, कटिंग रूट और स्टेम की कटिंग करके उसे सीधे मृदा में रोपित कर दिया जाए जिससे नए पौधे का विकास हो जाए। लेयरिंग जब मात्र पादप से अलग करने से पहले उसमें रूट्स का डेवलपमेंट करें और फिर उसे मृदा में रोपित किया जाए, और ग्राफ्टिंग दो पादपों को या दो अलग अलग पादपों को की कटिंग को एक दूसरे
दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करना, उन्हें अपन कहते हैं ग्राफ्टिंग। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो प्रकार है या इसके जो डिफरेंट टाइप्स है, ये अपन विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्रोफेसर जो विंकलर है उनके अनुसार जो एपोमिक्सिस है उसके कौन कौन से प्रकार या उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाइड किया, तो विंकलर ने एपोमिक्सिस को दो वर्गों में बांटा, एपोमिक्सिस इन फ्लावर ऑर्गेनिज्म एंड एपोमिक्सिस इन लॉर ऑर्गेनिज्म एंड एपोमिक्सिस इन फ्लावर रिंग प्लांट्स। एपोमिक्सिस इन लॉर ऑर्गेनिज्म में फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सिस्ट, स्पोर, पोलिडिया, रीजनरेशन, प्लाज्मोटोमी में क्लासिफाइड किया। एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एगेमो, स्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्लासिफाइड किया। एगेमो, स्पर्मी को स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक को डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी में क्लासिफाइड किया। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल में रूट, स्टेम, लीफ और बुलबाइन और आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के रूप में क्लासिफाइड किया। अब अपन बात करें एपोमिक्सिस का वर्गीकरण प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार एपोमिक्सिस के क्या प्रकार है, तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्हें पादप भ्रूण विज्ञान का, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। और इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान पुस्तक का प्रकाशन किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका पादप भ्रूण विज्ञान रिसर्च केंद्र उपस्थित है। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी भारतीय मूल के या भारतीय भ्रूण विज्ञान के महान वैज्ञानिक है। उन्होंने एपोमिक्सिस को किस तरीके से क्लासिफाइड किया वो अपन बात करें, तो उन्होंने दो तरीके से उन्हें क्लासिफाइड किया, नॉन रिकुरेंट एंड रिकुरेंट। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा, एक अनावृत्ति अनावृत्ति और दूसरा पुनरावृत्ति या आवृत्ति, यानी नॉन रिकुरेंट एंड रिकुरेंट। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने नॉन रिकुरेंट एपोमिक्सिस को क्लासिफाइड किया। नॉन रिकुरेंट में क्या क्या आते हैं, इस प्रकार के जो एपोमिक्सिस है इसमें अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, अगुणित भ्रूण कोष, अगुणित भ्रूण कोष का विकास होगा और उसमें जितनी भी सेल होगी वो अगुणित सेल होगी और उनसे बिना निषेचन के सीधे भ्रूण का विकास होगा। तो देखो उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट होगा, अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित होगा, ये उपस्थित है, उपस्थित होगा। तो देखिए जबकि हमने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन उपस्थित नहीं है, तो अनेक वैज्ञानिकों ने नॉन रिकुरेंट जो एपोमिक्सिस है उसका विरोध किया, किंतु फिर भी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इसे एपोमिक्सिस में ही सम्मिलित किया। और इसके कौन कौन से टाइप है, नॉन रिकुरेंट के कौन कौन से प्रकार है, तो वो टाइप्स अपन बात करें, तो देखिए हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस, हैप्लोइड एपोगेमी, हैप्लोइड एंड्रोगेनिक, तीन प्रकार। तो नॉन रिकुरेंट जो एपोमिक्सिस है उसके प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने तीन प्रकार बताए, हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस, हैप्लोइड एपोगेमी और हैप्लोइड
हैप्लोइड एंड्रोगैमिक टाइप। हम सबसे पहले बात करें नॉन रिकरेंट में अर्धसूत्री विभाजन होगा और भ्रूण कोष की अगुणित कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होगा। तो निषेचन अगुणित भ्रूण कोष सेल से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होगा। हैप्लोइड जो पार्थेनोजेनेसिस की अपन बात करें तो इस शब्द का प्रतिपादन जॉर्ज गैनसन ने 1928 में दिया था। इसके अनुसार नर युग्मक व अंड सेल का संलयन नहीं होगा, पराग नलिका भ्रूण कोष में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने मात्र से ही अंड सेल सीधे बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाती है। तो हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस या अगुणित एवं निषेध जनन में जो पराग नलिका है वो भ्रूण कोष में प्रवेश करेगी और उसमें अगुणित अंड सेल से बिना निषेचन के ही सीधे भ्रूण का विकास हो जाएगा और इस तरीके की जो एपोमिक्सिस है वो धतूरा और मक्का में देखने को मिलती है, यानी सोलेनेसी कुल के पात्रों में जो हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस है वो देखने को मिलेगी। अगले पर बात करें हैप्लोइड एपोगेमी। हैप्लोइड एपोगेमी क्या है? मादा युग्मोद्भिद की जो अंड कोशिका है उसके अलावा अन्य किसी अगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होगा। तो देखिए भ्रूण कोष की अंड सेल के अलावा अन्य अगुणित कोशिकाएं कौन सी होगी? सहायक सेल होगी और प्रतिमुखी कोशिकाएं होगी, उनसे जब भ्रूण का विकास हो तो उसे कहेंगे हैप्लोइड एपोगेमी। अगुणित अपयुग्मन, हिंदी में हैप्लोइड एपोगेमी को कहते हैं अगुणित अपयुग्मन। तो इसमें क्या होगा भाई? बिना मतलब अंड कोशिका के अलावा अन्य जो अगुणित कोशिकाएं हैं उनसे भ्रूण का विकास होगा। एग्जाम्पल है लिलियम और वर्जीनिया। लिलियम फैमिली के पात्रों में या लिलियम सी कुल के पात्रों में और वर्जीनिया में हैप्लोइड एपोगेमी देखने को मिलती है। आगे अपन बात करें हैप्लोइड एंड्रोगैनिक। हैप्लोइड एंड्रोगैनिक को अगुणित पुंजनीय के रूप में जानते हैं। इसमें प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने कृत्रिम रूप से पोषक माध्यम में पराग कोष और पराग कणों का संवर्धन करके अगुणित पूजनीय पादपों का विकास किया था। तो पराग कोष लिया जो कि 2N है, इसमें पराग कण या नर युग्मकों को अलग किया और पोषक माध्यम में उनका संवर्धन किया और अगुणित पुंजनीय पादपों का विकास किया। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को दो तरीके से क्लासिफाइड किया, नॉन रिकुरेंट और रिकुरेंट। नॉन रिकुरेंट के तीन प्रकार बताया, हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लोइड एपोगेमी और हैप्लोइड एंड्रोगैमिक। अब अपन बात करें रिकुरेंट या पुनरावृत्ति या आवर्ती प्रकार, जो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, निषेचन का अभाव होगा, द्विगुणित सेल से भ्रूण का विकास होगा। वास्तव में अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार यही एक प्रकार के एपोमिक्सिस है, इसे एपोमिक्सिस में नहीं लिया गया किंतु प्रोफेसर पंचानन ने इसे एपोमिक्सिस में ही सम्मिलित किया। तो रिकुरेंट में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, युग्मकों का संलयन नहीं होगा, द्विगुणित कोई भी 2N जो सेल होगी उससे सीधे भ्रूण का विकास होगा और जो हमने ये जो प्रकार पढ़ा है
यही इसी के टाइपों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसके टाइप कौन कौन से प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने बताया, तो वो है एगेमो स्पर्मी, जो कि अपन ने यहां देखा है एगेमो स्पर्मी, एडवेंटिव एम्ब्रियो, डिप्लो स्पोरी, एपो स्पोरी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये था भाई एपोमिक्सिस का वर्गीकरण, और दो वैज्ञानिकों ने एपोमिक्सिस को क्लासिफाइड किया, हैंस विंकलर और प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।